पढ़ते हैं बेटा, देखो अप्रैल 30 को दोबारा पढ़ना। यहाँ लिखा है वन मंथ इंटरेस्ट ऑन अनीता लोन, वो एक महीने का इंटरेस्ट अनीता के लोन पर 12% पर एनएम के अकॉर्डिंग बिकम ड्यू बट नॉट पेड। ड्यू बट नॉट पेड, ड्यू बट नॉट पेड का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग। ड्यू बट नॉट पेड, खर्चा चढ़ गया बट पे करा नहीं है। खर्चा चढ़ गया बट पे करा नहीं है। अब देखो मैं अनीता का लोन तुम्हें दिखाता हूँ। तुम यहाँ देखो क्रेडिट बैलेंस, ये 1 अप्रैल में जब हमने ओपनिंग एंट्री बनाई थी तो ओपनिंग एंट्री के अंदर आपको लायबिलिटी दे रही है मिसेस अनीता लोन 1,00,000 रुपये। यानी कि हमने अनीता से लोन ले रखा है और एक महीने का जो लोन है ना वो ड्यू बट नॉट पेड, मतलब चढ़ गया है बट पे नहीं करा है। तो मेरे बेटे जरा देखना एक महीने का लोन कितना इंटरेस्ट कितना निकलेगा, 1,00,000 का 12%, वो भी एक महीने का निकालना मेरे बेटा। मेरे अकॉर्डिंग आ रहा है 1,000 रुपया, यानी कि 1,000 रुपया का जो इंटरेस्ट है वो ड्यू बट नॉट पेड। खर्चा बनता है बट पे करा नहीं है, इसे तुम क्या कहते हो आउटस्टैंडिंग। क्या कहते हो मेरे बेटा जी, आउटस्टैंडिंग। कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, कोई भी हो, जैसे यहाँ पे तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है, आउटस्टैंडिंग सैलरी भी होती है, आउटस्टैंडिंग वेजेस भी होता है, आउटस्टैंडिंग फ्रेट होता है, आउटस्टैंडिंग कैरिज होता है, आउटस्टैंडिंग रेंट होता है, कोई भी खर्चा आउटस्टैंडिंग हो सकता है। खर्चे के लिए हम ड्यू बट नॉट पेड बोलते हैं कि खर्चा चढ़ गया बट पे नहीं करा। तो बेटा हम तो फॉलो करते हैं एक्रूअल सिस्टम। एक्रूअल सिस्टम ही कहता है खर्चा पे करा या नहीं करा, लेकिन वो खर्चा तो है ना। खर्चा पे करा या नहीं करा, लेकिन वो खर्चा तो है ना। तो खर्चा हमेशा क्या होता है, डेबिट। खर्चे को डेबिट कर दो, तो इंटरेस्ट को खर्चा मान के डेबिट कर दो, इंटरेस्ट डेबिट हो गया 1,000 रुपये। खर्चा तो है, खर्चा तो बनता है, पे कभी भी करेंगे, खर्चा मान के रिकॉर्ड दो, अपना खर्चा मान लो, पे तो कभी ना कभी कर दोगे ना। अब ये खर्चा पे नहीं करा तो तुम्हारी क्या बन गई, लायबिलिटी बन गई। क्या बन गई मेरे बेटा बोलो, लायबिलिटी बन गई। लायबिलिटी क्या होती है, लायबिलिटी होती है क्रेडिट। लायबिलिटी मैंने बताया था ना LIC, लायबिलिटी होती है क्रेडिट। किस नाम से, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट के नाम से, ठीक है ना। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट। अब अगर इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछ।